नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवेंद्र कुमार और दोस्तों आज हम लोग असम और बंगाल के जादू सीखेंगे। यह जो ट्रिक है बहुत सारे स्ट्रीट मैजिशियन दिखाया करते हैं, किसी भी दर्शक को बुलाकर कहते हैं आप किसी भी पत्थर को टच कीजिए और हमारा जो सहयोगी है यह बता देगा आप कौन सा पत्थर टच किए हैं। इसका मुंह उधर कर देंगे और आंख ऐसे बंद कर देंगे हम, और किसी एक दर्शक को बुलाकर कहेंगे टच करने के लिए, और फिर जब इसे इधर घुमाएंगे तो यह छूकर बता देगा कौन पत्थर टच किए हैं। तो चलिए एक लड़के को पहले हम बुलाते हैं। और आप इसमें से किसी एक पत्थर को टच कीजिए, इसका मुंह उधर कर देते हैं। चलिए टच कीजिए आप किसी एक पत्थर को। ध्यान दीजिएगा यह पत्थर टच किया है। अब इसका मुंह हम इधर करते हैं और यह बताएगा घूमो इधर। अब यह बताएगा कि कौन सा पत्थर टच किए हैं। देखिए यही पत्थर टच किया था ना। चलिए एक दूसरे लड़के को बुलाकर अब टेस्ट करते हैं जरा। तो अब दूसरे लड़का को टेस्ट करते हैं, यह भी एक पत्थर को टच करेगा और यह बताने वाला है। चलो टच करो। तो टच कर दिया है। अब इसका मुंह इधर करते हैं और यह बताने वाला है कि कौन सा पत्थर टच किया है। तो यही टच किया था, इसी पत्थर को टच किया है। तो दोस्तों हालांकि यह बहुत ही विकसित ट्रिक है, असम और बंगाल के नाम से जाने जाने वाले जादूगर बहुत दिखाया करते हैं इसे अपने स्ट्रीट मैजिक शो में, और आज आपको बहुत ही आसानी से इस ट्रिक को करना सिखाएंगे। दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए कोड भाषा की ज़रूरत होती है, और बहुत ही आसान कोड भाषा आपको पहले बता दे रहे हैं। इसके बाद कई तरह से आप इसे कर सकते हैं। सबसे प्रथम कोड भाषा आपको बताते हैं कि आपके पास कोई एक कार्ड होना चाहिए, ताश का पत्ता या कुछ भी, तो इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, या आपके पास स्मार्टफोन हो तो इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, या आपके पास कुछ भी ना हो इसके माध्यम से भी आप इस ट्रिक को कर सकते हैं। दोस्तों जो भी सहयोगी था उसे हम पहले ही समझा दिए थे इस स्मार्टफोन के कोड भाषा में कि यहाँ पर कैसे टच करना है तो क्या होगा, और यहाँ पर सारी बात समझा दिए थे, वो कैसे वो समझ लीजिए आप। देखिए इसमें 9 पत्थर लिए हैं, अब सभी को सजा दिए हैं लाइन से। आप चाहे तो 7 पत्थर भी ले सकते हैं और 9 पत्थर भी ले सकते हैं। इसका कोड क्या है स्मार्टफोन में बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन रखें, अगर कोई इस पत्थर को टच किया तो आप यहाँ पर टच कीजिए, यहाँ पर आप कहीं भी रखे रहिए आप इसे, ऐसे भी आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है आप कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे भी छू सकते हैं। अगर इस पत्थर को टच किया तो आप यहाँ पर टच कीजिए, अगर इस पत्थर को टच करेगा तो यहाँ पर टच कीजिए, अगर बीच वाले को टच करेगा तो बीच में, इसी तरह से सब के सब। और यदि दोनों पत्थर नहीं रहेगा तब और ईजी हो जाता है। इसके बाद देख लीजिए आप 3 ऊपर से हैं तो 3 लाइन में आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, और बीच के लिए तो बीच है ही। यह हो गया। यदि आपके पास स्मार्टफोन या कार्ड नहीं है तब आप इसे कैसे करेंगे, इसके लिए आपके कोड भाषा का ज़रूरत है। आपका दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों पैर और बीच का जो बॉडी है वो, दाहिना हाथ ऊपर है, दोनों हाथ ऊपर है, तो ऊपर के जब दाएं हाथ हिलाएंगे तो समझिए ए पत्थर है, मोड़ी जब हिलाए तो ए पत्थर है, और जब बाएं हाथ हिलाए तो ए पत्थर है। ऐसा आपको अपने सहयोगी को समझाना पड़ेगा कि जब हम दाहिना हिलाएंगे तो ए पकड़ना, सर हिलाएंगे तो ए, और जब बाएं हाथ हिलाएंगे तो ए। इसके बाद जब बीच को टच करेगा तब आप यहाँ पर ऐसे जो है किसी भी बहाने आप शरीर पर कहीं भी ऐसे चला दीजिए, वो समझ जाएगा कि बीच में ही टच किया है और बीच वाले को सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से दाहिना पैर के लिए, बायां पैर के लिए और बीच के लिए, दोनों पैर को सटाएगा तो यह बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोड भाषा क्रिएट करके और रिहर्सल कर सकते हैं। हालांकि शरीर के साथ करने में थोड़ी बहुत आपको कठिनाई होगी, स्मार्टफोन और किसी कार्ड के साथ करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिक को कर सकते हैं। बशर्ते इस ट्रिक को दिखाने से पहले अपने साथी को समझाना पड़ेगा कि इस तरह से कोड भाषा को तुम फॉलो करना।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह मैजिक ट्रिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एम करते हैं इस वीडियो पर 3000 लाइक्स के, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।